स्वागतम मैं दीक्षित शर्मा अरविंद केजरीवाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक एबार तुलना करिले मोहम्मद बीन तुगलकर लगत तुगलकर जीधरण सिद्धांत तो आसिल जीधरण नीति ग्रहण करिसिल नरेन्द्र मोदीरो हे एके नीति बुली कटाक्ष करी विमुद्राकरण आरम्भ करी सकलो विषयते तुगलकी सिद्धांत नरेन्द्र मोदीये लैसे बुली तीव्र आक्रमणात्मक होय एबार अरविंद केजरीवाल गरजी उठिल दिल्लीर विधानसभार भितरत এজন রজার সাধু কথা কই আও পকিয়া কই আদানির পর আরম্ভ করে নরেন্দ্র মোদীর লোকে সকলকে হাঙ্গুরি আনি নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারখন সম্পূর্ণরূপে এক তুগলকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সরকার আখ্যা দি কেবাটাও মন্তব্য করেছে এই মুহূর্তের এই বাতরিটো আপনাদের আগবাইছো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক তুগলকর লগত তুলনা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালর দিল্লির বিধানসভাত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক কেজরিওয়াল विमुद्राकरण आरम्भ कर मोदी सिद्धांत सकुके तुगलकी सिद्धांत आख्या दिले एक रजार कहनी कह आडवाणी नाम नोलोक मोदी ऊपर तीक्षण वाक्य बान निक्षेप कर केजरीवाले यह मुहूर्त दिल्ली विधानसभा की कले आगे इससे पहले एक और राजा आया था मोहम्मद बीन तुगलक वो भी ऐसे ही करता था कभी उसने देश की राजधानी बदल दी कभी बोला मैं चमड़े के सिक्के बनाऊंगा उसी तरह से ये था अनपढ़ राजा कुछ भी कर देता था। अब राजा को एक दिन लगा यार मैं तो राजा बन गया पता नहीं कितने दिन रहूंगा तो उसकी गरीबी में जो जीवन उसने जिया था उसे लगा यार पैसे तो कमाने चाहिए पैसे कैसे कमाऊं पैसे कमाऊंगा तो जनता में छवि खराब होगी तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूं सारे सरकारी ठेके तेरे को दिलाऊंगा सारी कंपनियां तेरे को दिलाऊंगा सरकारी पैसा तेरे को दिलाऊंगा नाम तेरा पैसा मेरा तेरे को पूरे उस पे 10% कमीशन तेरे को मिलेगा सारा पैसा मेरा दोस्त मान गया दोस्त को क्या था फ्री में पैसा मिल रहा था दोस्त मान गया उसके बाद दोनों ने मिलके जो देश को लूटा सबसे पहले वो दोस्त आया बोला सर सबसे पहले बैंकों को लूटते हैं तो बोला वो कैसे यार बैंकों को लूटेंगे तो ये तो ठीक नहीं है बोला नहीं ऐसे करते हैं आप किसी बैंक के चेयरमैन को बुलाओ उसको बोलो कि वो मेरे को लोन देगा तो बोला लोन देगा तो वापस करना पड़ेगा बोला वापस कौन करेगा वापस थोड़ी करना है आप राजा हो वापस वापस नहीं करना लोन दिला दो बस तो राजा ने एक बैंक के चेयरमैन को बुलाया बोला इसको लोन दे तो वो चेयरमैन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई यार मैं तो मर जाऊंगा फंस जाऊंगा वो भाग गया तो फिर उन्होंने ढूंढ ढांड के एक ऐसा चेयरमैन चुना जो कि सरासर भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर 10 फाइलें खुली हुई जिसके ऊपर 10 केस चल रहे उसको बुलाया बोला देख तेरे को चेयरमैन बना रहे हैं अब तू 10,000 करोड़ रुपए दे दे इसको नहीं तो तेरे को जेल भेजेंगे जेल जाना है कि पैसे दे रहा है उसने कहा माए बाप मैं जो कहोगे जहां कहोगे साइन कर दूंगा उसने 10,000 करोड़ रुपए का लोन उसके दोस्त को दे दिया ऐसे करते करते 1,00,000-2,00,000 करोड़ रुपए इन्होंने बैंकों से लूट लिए राजा ने चौथी पास राजा ने और उसके दोस्त ने मिलकर 2,50,000 करोड़ रुपए बैंकों से लूट लिए अब बैंकों से पैसा लूटने के बाद उन्होंने देश को खरीदना चालू किया सबसे पहले उन्होंने देश के एयरपोर्ट खरीदे पहले 6 एयरपोर्ट खरीदे फिर उन्होंने बिजली कंपनियां खरीदी फिर उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए पूरे देश के अंदर फिर उन्होंने सी पोर्ट खरीदने चालू कर दिए फिर उन्होंने कोयले खदानें ले ली फिर इन्होंने पुलिस को भेज भेज के जो लोगों की कंपनियां थी प्राइवेट लोगों की कंपनियां या बंदूक रख रख के उनकी कंपनियां छीन ली राजा ने और उसके दोस्त ने हाहाकार मच गया पूरे देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई पूरे देश में पहले गैस 400 रुपए सिलेंडर होती थी चौथी पास राजा के आने के बाद 1,100 रुपए सिलेंडर हो गई पहले पेट्रोल 71 रुपए होता था 97 रुपए हो गया पहले डीजल 57 रुपए होता था
90 रुपए लीटर हो गया। जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, तो सारी चीजों के दाम बढ़ गए देश के अंदर, हाहाकार मच गया सब चीजों पे। इसने और इसके दोस्त ने कब्जा, दूध पहले 46 रुपए होता था, 66 रुपए लीटर हो गया। बच्चों को माएं दूध पिलाने लायक नहीं बची, घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के दूध छीन लिए इसने राजा ने। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर होता था, 214 रुपए हो गया। बताओ, धीरे धीरे पूरे देश में हाहाकार मच गया। लोग अब राजा के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लोग उसके खिलाफ बोलने लगे, तो राजा ने कह दिया जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डालो। एक के बाद एक, एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। किसी ने राजा का कार्टून बना लिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी ने राजा का नाम गलत ले दिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिख दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। किसी जज ने राजा के खिलाफ कोई ऑर्डर कर दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। ना जजों को छोड़ा, ना पत्रकारों को छोड़ा, ना मीडिया को छोड़ा, ना व्यापारियों को छोड़ा, ना उद्योगपतियों को, किसी को नहीं छोड़ा राजा ने पकड़ पकड़ के। उसने चौथी पास राजा ने सबको जेल में डालना चालू कर दिया। एक महान देश कहां से कहां पहुंच गया। उसी देश के अंदर एक छोटा सा राज्य था, उस राज्य का एक मुख्यमंत्री था। उनके चेहरे पे भी स्माइल आ गई, उनके चेहरे पे भी उम्मीद की किरण छा गई। वो मुख्यमंत्री अपने लोगों का खूब ख्याल रखता था। वो मुख्यमंत्री